नमस्कार, मैं हमजा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आप सभी को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का दहन आज, कल से शुरू होगी रंगों की होली। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा की शाम को होली का दहन किया जाता है और अगले दिन से 5 दिनों तक रंग वाली होली खेली जाती है। इस बार होली का दहन का शुभ मुहूर्त आज शाम 6:24 से रात 8:51 तक, यानी कुल 2 घंटे 27 मिनट का है। इसके बाद कल सुबह से दुल्हंडी यानी रंग वाली होली मनाई जाएगी। मान्यता है कि होलिका की पूजा शनि और पितृदोष को दूर करने में सहायक होती है। वहीं होली का त्योहार जीवन में उल्लास और खुशी तो लाता ही है, साथ ही न सिर्फ तन बल्कि मन को भी प्रफुल्लित कर देता है। कई राज्यों में होली की शुरुआत रंग एकादशी से ही हो जाती है। होरियारों की टोलियां जब सड़कों पर निकलती हैं तो आसपास का नजारा देखते ही बनता है। इस साल होली पर 30 साल बाद बना खास सहयोग, कई राशि के लोगों को होगा लाभ। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार 30 साल बाद होली पर अद्भुत संयोग बन रहा है। 30 साल बाद शनि स्वराशि कुंभ और देव गुरु बृहस्पति स्वराशि मीन में विराजमान रहने वाले हैं। इस समय कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध की युति बन रही है। इन तीन ग्रहों की युति से त्रिग्रही योग बन रहा है। ये दुर्लभ संयोग वृष राशि वाले जातकों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इससे करियर में नाम और पैसा दोनों मिलने वाला है। वहीं मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध और सूर्य मित्र ग्रह हैं, इसलिए ये गोचर मिथुन राशि के जातकों को लाभ देगा। सूर्य और बुध की युति वृश्चिक राशि वालों के लिए फलदायी साबित होगी, तो सूर्य और बुध की युति कुंभ राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है। यह योग आर्थिक मोर्चे पर फायदेमंद साबित होगा। होली पर हर राज्य की है खास परंपरा, ब्रज की लठमार होली की बनी विशिष्ट पहचान। अपना देश विविधताओं से भरा हुआ है और इसका पता इसी से चलता है कि होली का त्योहार भी देश के सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। होली पर बनाए जाने वाले पकवान भी हर राज्य में अपनी अलग पहचान रखते हैं। नंदगांव की हर गली रंग बिरंगी नजर आती है और हजारों वर्षों बाद भी होली में हंसी ठिठोली के साथ बरसाना व नंदगांव के लोगों का आपसी स्नेह बेमिसाल नजर आता है। ब्रज की होली तो दुनिया भर में विख्यात है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में होली पर महिलाएं लाठियां बरसाती हैं और पुरुष बचाव करते हैं। ब्रज की लठमार होली का साक्षी बनने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अनोखी है कुमाऊनी होली तो पंजाब के होला मोहल्ला की है खास मान्यता। उत्तराखंड की कुमाऊनी होली की अपनी अलग विशेषता है। यहाँ होली का त्योहार बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है और लोग पहाड़ों की पारंपरिक पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं और जमकर होली खेली जाती है। पूर्वांचली होली गीतों पर ब्रज का अच्छा प्रभाव नजर आता है, जो मन को काफी प्रभावित करता है। वहीं पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में विशेष रूप से होली को होला मोहल्ला के नाम से मनाया जाता है। इस दौरान भव्य मेले का आयोजन होता है और सिख समुदाय के लोग कुश्ती, मार्शल आर्ट्स और तलवार के साथ करतब दिखाते हैं। घुड़सवारी, ट्रक रेस जैसे पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है। पंजाब में होला मोहल्ला उत्सव की शुरुआत 1701 में हुई थी और इसे पौरुष के पर्व के रूप में देखा जाता है। होली पर राजस्थान में शाही जुलूस की परंपरा देवर भाभी की होली के लिए मशहूर है हरियाणा। राजस्थान में सूखे रंगों और गुलाल से होली खेलने की परंपरा रही है और इस दौरान लाठियां भी बरसाई जाती हैं। उदयपुर में 2 दिन तक चलने वाले समारोह के दौरान शाही जुलूस निकाला जाता है। इस जुलूस में हाथी, घोड़ों से लेकर रॉयल बैंड तक शामिल होते रहे हैं। राजस्थानी वेशभूषा में होलिका दहन कर लोग लोकगीतों की धुन पर नृत्य करते हैं। दूसरी ओर हरियाणा की होली अपने शरारती अंदाज के लिए जानी जाती है। यहाँ देवरों द्वारा भाभी को परेशान करने की परंपरा रही है। हरियाणा में होली पर देवर अपनी भाभी को रंगने की कोशिश करते हैं और भाभी अपने देवर पर लाठियां चलाती हैं। होली से पहले बड़ा ऐलान, फिल्मी पर्दे पर होगी रूह बाबा की वापसी। पिछले साल कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म की शानदार सफलता को देखते हुए अब इसके सीक्वल का ऐलान किया गया है। होली से पहले फिल्म के लीड कलाकार कार्तिक आर्यन ने ट्विटर पर फिल्म भूल भुलैया 3 की घोषणा से जुड़ा एक टीजर शेयर किया है। इस टीजर में कार्तिक कहते हैं कि क्या लगा कहानी खत्म हो गई, दरवाजे तो बंद होते ही हैं ताकि एक दिन फिर से खुल सकें।
मैं सिर्फ आत्माओं से बात ही नहीं करता, आत्मा मेरे अंदर आ भी जाती है। फिल्म भूल भुलैया 3 अगले साल दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।